पटना के लालजी टोला स्थित सरकारी स्कूल के प्रांगण में पिछले कई सालों से अस्थायी घाट का निर्माण करवाया जा रहा है। इस बार भी छठ पूजा को लेकर यहां अस्थायी घाट का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में छठव्रती यहां आकर भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। समाज सेवी मनोज कुमार का कहना है कि पिछले कई सालों से यहां अस्थायी घाट का निर्माण करवाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घाट पर पिछले कई सालों से किन्नर समाज के लोग पूरे ढोल नगाड़ों के साथ यहां आते हैं और इस घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण करते हैं। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व में हर चीज पूरी शुद्धता के साथ की जाती है। इस बार भी सैकड़ों की तादाद में छठ व्रतियों के आने की उम्मीद है, जो यहां भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि घाटों पर लाइटिंग और सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ घाट के चप्पे चप्पे पर हमारे सदस्यगण रहेंगे, जो छठ व्रतियों की हर संभव मदद करते नजर आएंगे। देखिए, ऐसा है कि आज पूरे देश को पता है कि छठ जो पर्व है वो लोक आस्था का महापर्व है और बिहार के लिए ये बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व में जो सबसे अहम बात है वो है शुद्धता। इसमें सारी चीज़ों की शुद्धता रखी जाती है। आज जैसे कि हम लोग यहाँ पे लालजी टोला में अस्थाई छठ घाट का निर्माण वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से तो गंगा की स्थिति ठीक हुई है, नहीं तो विगत कुछ वर्ष पहले तक गंगा के घाट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो हम लोगों ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए हर वर्ष यहाँ छठ घाट का निर्माण करवाते हैं। यहाँ पे ये हमारा लालजी टोला का ये सरकारी विद्यालय है, इसी के प्रांगण में हर वर्ष छठ घाट का निर्माण के साथ साथ पूरी शुद्धता के साथ हम लोग छठ व्रतियों के लिए एक विशेष तरह का प्रबंध करवाते हैं, जिसमें कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती लोग आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करते हैं। किन्नर समाज की महिला लोग भी आती हैं क्या? और इस घाट पे एक सबसे विशेष एक बात है कि विगत कई वर्षों से हमारे समाज के, जिसको कहा जाता है थर्ड जेंडर, किन्नर समाज की महिलाएं भी यहाँ आकर भगवान सूर्य की पूजा करती है, छठ व्रती के रूप में आके अर्घ देती है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनके समाज के लोग आते हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़ों के थाप पे नाचते गाते हुए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। अपना नाम